स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको इंजन प्लस के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंजन प्लस का जरूरत क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जब हमारी गाड़ी चलती है उसके अंदर मेटल पार्टिकल्स आता है, डस्ट आता है, इंप्योरिटीज आता है, तो जब गाड़ी चलती है तो ये सब इसके अंदर रह जाता है। और हम जब नया ऑयल डालने जाते हैं तो ड्रेन मोड निकालते ही इंजन ऑयल निकल जाता है, लेकिन उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स रह जाता है जो कि नहीं निकल पाता है। और हम नया इंजन ऑयल डाल देते हैं उसमें, फिर वो जो गंदा पार्टिकल्स रहता है वो नए ऑयल के साथ मिल जाता है और जो इंजन ऑयल है वो डिग्रेड होने लगता है। इसी तरह से हमारा जो इंजन और इंजन का एफिशिएंसी है वो कम हो जाता है और इंजन ऑयल जल्दी ख़राब होने लगता है। तो हमको इंजन का जो ऑयल फ्लश है वो करना चाहिए, क्योंकि इंजन फ्लश करने से हमारा जो इंजन का एफिशिएंसी है वो बढ़ता है और इंजन का लाइफ बढ़ता है। तो आपको मैं एक दो फोटो दिखाऊंगा जिससे आप पता चल जाएगा कि इंजन फ्लश नहीं करने से इंजन का अंदर कैसा रहता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन में कैसा दिख रहा होगा। तो आपको इंजन प्लस जरूर करना चाहिए। तो आपको पता चल गया होगा कि इंजन प्लस क्यों जरूरी है। अब बात कर लेते हैं इसे करते कैसे हैं। तो बाजार में बहुत सारे इंजन प्लस के नाम से बहुत सारे ब्रांड हैं, जैसे कि मोटुल हो गया, वैक्सपोल हो गया, ये सारे बहुत सारे ब्रांड हैं। आप कोई भी अगर आपको कोई भी अच्छा लगता है तो उसको यूज कर सकते हैं। ये जो इंजन प्लस है उसमें केमिकल डिटर्जेंट होता है जो स्पेशली इंजन के लिए बनाया जाता है। अब मैं आपको इंजन फ्लशिंग के बारे में बताऊंगा कैसे आप खुद कर सकते हैं। अपनी गाड़ी का जहाँ से इंजन ऑयल डालते हैं उसको खोलिए। पुराना इंजन जब आप इंजन ऑयल चेंज करना होगा उसी टाइम में ये करेंगे तो अच्छा रहेगा। नया इंजन में मत कीजिएगा, नया इंजन ऑयल में। तो उसको खोलिए, 200 ml उसमें डाल दीजिएगा, ये जो आप लाए हैं उसको डाल दीजिएगा 200 ml। उसके बाद गाड़ी को 10 मिनट या 15 मिनट तक आइडलिंग कीजिएगा। गाड़ी को रेप मत कीजिएगा क्योंकि ये केमिकल डिटर्जेंट है, ये आपको गाड़ी का इंजन ख़राब कर सकता है, ज़्यादा मत चलाइएगा। ये तो हो गया 10 मिनट, उसको आइडलिंग में रख दीजिएगा। उसके बाद उसे ड्रेन मोड में ड्रेन सब कर दीजिए जितना भी ऑयल है, और ड्रेन कर दीजिएगा पूरा लास्ट ड्रॉप तक, क्योंकि लास्ट ड्रॉप में ज़्यादा इंप्योरिटीज निकलता है और मोटा है कि जो भी इंजन में रहेगा गाढ़ा होकर सब निकल जाएगा उसमें। आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे कि इंजन फ्लश करने से इंजन हमेशा साफ रहता है तो हमें यह हर इंजन ऑयल चेंज करने से करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि इंजन ऑयल जो फ्लश है उसका ड्यूरेशन है 15,000 किलोमीटर। अगर आपका गाड़ी 15,000 किलोमीटर रन हो चुका है और इंजन ऑयल आप रेगुलर चेंज करते हैं तो उसके बाद आप इंजन ऑयल फ्लश कर सकते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा करेंगे, हर इंजन ऑयल चेंज में करेंगे, तो आपका जो इंजन का कार्बन पार्टिकल्स रहता है वो निकल जाएगा और इंजन में नॉकिंग साउंड आ सकता है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कुछ डाउट है इस वीडियो के बारे में तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।